हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज, कीप द पार्क क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. तो ये देखो आपका रियल फिगर जो है वो बुक के अंदर देखना है। ये आपकी दो स्लाइड है, एक स्लाइड आपकी ये रही, एक स्लाइड आपकी ये रही। तो यहाँ पे उसको क्या किया, मैसेज लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इस वॉल को आपको क्या करना है, पेंट करना है, किसी भी कलर से आपको पेंट करना है। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो इस ये जो आपको डार्क शेड दिख रहा है ना स्काई ब्लू कलर का, ये जो यहाँ पे है, इस जहाँ पे भी आपको पेंट करना है उसका एरिया फाइंड करके बताना है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये साइड आपको 11 गिवन है, ये साइड आपको 6 गिवन है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, और ये साइड आपको यहाँ पे कितनी गिवन है, 15, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में स्लाइड होती है। जो ये 6 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करके बताना है, क्योंकि तीनों ही साइड आपकी डिफरेंट है, तो एरिया हमारा हिरन्स फॉर्मूला से फाइंड हो जाएगा ईजिली। तो मैंने ये ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर मैसेज लिखा हुआ है कि पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये गिवन लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे गिवन राइट कर लिया। तीन साइड आपको गिवन थी, एक को मैंने ए, दूसरे को बी, तीसरे को मैंने सी ले लिया। फिर हिरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया फाइंड करें, क्योंकि तीनों साइड आपके डिफरेंट है, स्केलन ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हिरॉन्स फॉर्मूला हम इस तरह से राइट करना है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिगर भी बनाना है, गिवन भी राइट करना है, फॉर्मूला भी राइट करना है। ना सबसे पहले एस फाइंड कर लेते हैं। तो एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी तीनों साइड के सम को डिवाइड 2 करना है। तो ए यहाँ पे है 15, बी यहाँ पे 11 और सी यहाँ पे है 6। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2, तो 15 प्लस 6 प्लस 11 आपका यहाँ पे हो गया 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1, तो 1 और ये आपका 3 हो गया 32 बाय 2। 2 के टेबल में 32 आया आपका 16 टाइम, यानी कि एस आ गया आपका 16 मीटर। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस आपका हो गया 16, एस 16 माइनस एस की जगह वैल्यू पुट किया 16, 16 माइनस ए यानी कि 15 हो गया, फिर 16 माइनस बी यानी 11, फिर एस माइनस सी यानी कि 16 माइनस 6 हो गया। ठीक है, नाउ इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें। तो एज इट इज रूट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, 16, फिर 16 में से 15 गया तो 1 बज गया, 16 में से 11 गया तो आपका यहाँ पे 5 बज गया, 16 में से 6 गया तो आपका 10 बज गया। अब फैक्टर बना लो, जितने भी अंदर नंबर है उन सबके फैक्टर बना लो। तो 16 के फैक्टर आपके क्या हो गए, 2 के टेबल में 16 आया 8 टाइम, 2 के टेबल में 8 आया आपका 4 टाइम, 2 के टेबल में 4 आया आपका 2 टाइम, 2 टाइम और 1 हो गया। तो ये आपका यहाँ से हो गया 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 का फैक्टर कोई नहीं बनेगा, 1 एज इट इज, 5 आपका प्राइम नंबर है एज इट इज रहेगा, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये 10 का भी फैक्टर ऐसे एज इट इज बन जाएगा, 2 के टेबल में 10 आया 5 टाइम, 5 के टेबल में 5 आया 1 टाइम। अब जिन जिन नंबर की पैरिंग हो रही है वो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर हो जाएंगे। तो ये नंबर की पैरिंग हो गई तो ये रूट से बाहर आ गया, इस नंबर की पैरिंग हो गई ये भी रूट से बाहर आ गया, फिर 5 5 की पैरिंग हो गई ये भी रूट से बाहर आ गया, इसका कोई पैर नहीं है, और 1 तो वैसे भी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अंडर रूट में 2 और 1 बजाय 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये जो हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 20, तो 20 रूट 2, और हमें मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको ये मैसेज राइट करना है, उसके अंदर पेंट करने का जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनल आंसर जरूर लिखना है आपको, द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सिर्फ सॉल्व करना था, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।